रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाथ चलिया। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत बंगड़ पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। वाह क्या बात है लड़के, मजा आ गया। निहाल यू आर टुडे सिंगर, कितने यंग गाने सुनते हो तुम, लेकिन तुम ये गाने हेमंत दा के और किशोर दा के इस तरह गा रहे हो जैसे यू आर बॉर्न टू सिंग दिस सॉन्ग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इतनी आवाज तुम्हारी फ्रेश है और तुम्हारी आवाज में गाने और फ्रेश लगते हैं। और मैं बताता हूँ कि संगीत की दुनिया में कैसे आएगा अकाल जब तक हमारे पास है निहाल। क्या बात है निहाल, ये जो आपने न्यूज़पेपर पहना हुआ है आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर और दुनिया के ऐसे हर न्यूज़पेपर में आपकी खबरें छपने वाली हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने जो गाने गाए वो बर्मन दा के थे, एसडी बर्मन के, और मैंने किस्से सुने हैं ऐसे बहुत सारे मेरे बड़ों से, अनु जी से, कि बर्मन दा अपने सिंगर्स के लिए बड़ी उनकी ज़िंदगी थोड़ा टफ कर दिया करते थे, क्योंकि बर्मन दा को खुश कर पाना कोई मामूली बात नहीं थी, और इसीलिए कई गाने आप देखेंगे कि जो सिंगर्स नहीं गा पाए वो बर्मन दा ने खुद ही गा लिए। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ निहाल, कि अगर आज बर्मन दा होते और आपको ये गाने परफॉर्म करते हुए यहाँ देखते तो बहुत खुश होते और आपको शाबाशियाँ देते। थैंक यू सो मच। आवाज के जादूगर किशोर कुमार आज इंडियन आइडल सेलिब्रेट कर रहा है टेलीविजन इतिहास में पहली बार किशोर कुमार के 100 गाने, और इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ होंगे किशोर कुमार के बड़े बेटे और सिंगर अमित कुमार। तो आइए बंद करें शोर और शुरू करें किशोर। अब मैं कुछ बोलूं? प्लीज सर। आई एम फीलिंग सो प्राउड, रादर आई एम प्रिविलेज्ड कि मुझे चुना गया कि आज पिताश्री के 100 सॉन्ग्स, ऐसा कभी हुआ नहीं। दिस इज अ हिस्टोरिक एपिसोड, दिस इज अ हिस्टोरिक एपिसोड, हिस्टोरिक, बहुत बड़ी बात है। मेरा आशीर्वाद है आप सबको, आप लोग ऐसा गाइए ताकि मेरे पिताश्री जहां भी हो, this part of the universe he is there, he will bless you all. kya baat hai, aaj is hafte yani ki aaj aur kal mein hum kishor da ke 100 gaane pure kar rahe hain, aur iska shri ganesh agar aap kare to maza hi aa jayega sir, to do lines ho jaye please. dang 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 राह प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राह प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राह प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो गए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। अब मैं
जाके 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 बैठता हूँ। क्या शुरुआत हुई है, और इसी के साथ अब बचते हैं सिर्फ 99 सॉन्ग्स। अमित सर के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर एक बार फिर इंडियन आइडल पे आने के लिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये जानना कि हम 100 के 100 गाने पूरे करेंगे। हम कितने गानों तक पहुंचे हैं, इसकी गिनती कौन करेगा? इसके लिए हमने दो बहुत काबिल लोगों को इस काम पे लगाया है, और वो आपके सॉन्ग अंपायर। नमस्कार। आदि एम्पायर्स तो बहुत होते हैं दुनिया में, बट इनसे क्यूट एम्पायर कोई हो ही नहीं सकता। ये बात तो है। पहले मैं आपसे पूछूंगा, अंपायर्स क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं। जजेस क्या आप तैयार हैं? यस एब्सोल्युटली। अमित जी क्या आप तैयार हैं? तैयार हूँ। तो शुरू हो जाओ। इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन। कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन। मेरी
जमाना था जब किसी औरत को ग्रेसफुल कहने की जगह ये भी कह सकते थे कि आप स्मिता पाटिल जैसी हैं। स्मिता जी यानी तहजीब, शराफत, सादगी और ग्रेस। बात उन दिनों की है जब स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म नमक हलाल के लिए एक आइटम सॉन्ग शूट किया। गाना शूट तो हो गया लेकिन स्मिता जी की नींद उड़ गई। वो ये सोचकर चैन से सो नहीं पाई कि उनकी ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा। कहाँ मंथन में वो सर पे पल्लू रखी हुई स्मिता पाटिल और कहाँ ये ट्रांसपेरेंट साड़ी में खुली सड़क पे नाचती हुई स्मिता। कहाँ वो दो दो बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस और कहाँ ये आइटम सॉन्ग पे डांस करने वाली हीरोइन। यही सब वो सोचती रही और पूरी रात रोती रही। सुबह जब वो वापस फिल्म के सेट पर आई तो अमिताभ बच्चन उनकी लाल लाल आंखें देखते ही पूरा किस्सा समझ गए। उन्होंने स्मिता जी से कहा, मूर्ति मंदिर में रखी हो या घर में या सड़क के किनारे, उसकी इज्जत कम नहीं होती। लोग हर हाल में उसे सर झुकाते हैं। आप ट्रांसपेरेंट साड़ी में नाचते हुए भी उतनी ही ग्रेसफुल लगेंगी जितना सर पे पल्लू रखे हुए। यही हुआ। नमक हलाल का वो नमकीन गाना सुपर हिट रहा। लोगों ने स्मिता के नए स्वैग को भी सर आंखों से लगा लिया और इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट दिया गया आशा जी की गायकी को, जिसमें लटके झटके भी भरपूर थे और तहजीब भी। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद ही रपट जाइयो, हाँ खुद ही फिसल जाइयो। आज रपट आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। क्या बात है, क्या बात है। से छम छम शराबर से सावनी घटा से शबाबर से बादल से छम छम शराबर से सावनी घटा से शबाबर से बुंदु की गजी पायल घटाने छेड़ी गजल ये रात गई मचले रपट आहा आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। आहा ओहो आहा ओहो आहा ओहो ओहो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।